रूपा जी, दर्शक जुड़े हुए हमारे साथ बहुत सारे, जिनका सवाल लगातार प्याज को लेकर आ रहा है। वो जानना चाह रहे हैं कि प्याज आगे जाके किस भाव पर रह सकती है, जिस हिसाब से उत्पादन है और खपत है। दूसरा, फसलें भी खराब हुई हैं, जो स्टॉक की हुई प्याज थी महाराष्ट्र किसानों द्वारा, वो भी खराब मौसम के चलते, बेमौसम बारिश के चलते, नमी के चलते खराब होती नजर आई है। और अब दूसरा, जर्ली खरीफ की जो प्याज है वो भी हफ्ता 10 दिन के अंदर बाजारों में आने वाली है। ऐसे में आपको क्या लगता है, प्याज का बाजार आगे क्या रह पाएगा और किसानों को सख्त प्याज में क्या करके चलना सही रहेगा? देखिए, अभी प्याज का बाजार जो है थोड़ा सा रुकता हुआ नजर आया, जो पहले तेजी आ रही थी अब वो वापस से थम गई है और कीमतें फिर से कंट्रोल में आ गई हैं। तो मुझे लगता है कि इसी रेंज में प्याज फिलहाल घूमता हुआ दिखाई दे सकता है, और नई अराइवल जिस तरीके से मार्केट में पहुंचेंगी तो फिर उसके ऊपर इम्पैक्ट जो है वो कीमतों के ऊपर आता हुआ दिखाई देगा। जो भी बाउंस आता मिलता है आप उसमें बिकवाली कर दे, अपना माल जो है धीरे धीरे लिक्विडेट कर दे, क्योंकि आगे मुझे नहीं लगता कि बहुत तेजी है। जो तेजी आनी थी वो आ चुकी, और आप देखिए मंडियों के अंदर भी अब लगातार देख रहे हैं कि प्राइसेस जो है वो कंट्रोल में आते हुए नजर आ रही हैं। तो थोड़ा बहुत बाजार ऊपर जा सकता है। अभी देखिए जहां पर हमें 3500-3700 का मैक्सिमम भाव ऊपर में देखने को मिल रहा है, वो ज्यादा से ज्यादा 4000 तक जा सकता है, इससे ज्यादा भी फिलहाल जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और नीचे में भाव जो है वो मुझे लगता है कि लुढ़क सकते हैं। अभी जो अगर हम रिटेल में बात करें तो 30-35 रुपए किलो जो प्याज मिल रहा है 35-40 के आसपास, वो मैक्सिमम 50-60 तक एक बार तेजी पकड़ सकता है अगर सप्लाई डिस्टर्ब होती है। अदरवाइज प्राइसेस जो है इसी रेंज में घूमते रहेंगे, और बहुत ज्यादा अभी फिलहाल किसानों को तेजी में नहीं रहना चाहिए। जी,